अरे देखिए गाइस, इतना बड़ा कंबोजर सांप का जैसे चल रहा है, लेकिन हम भी पहला बार उतना बड़ा कंबोजर देखा, पर वैसा कलर। आरती का देखिए, आरती को सिंदूर लगा दिए प्रीति मजाक से। ये देखिए सिंदूर लगा हुआ है, बकरा सिंदूर। अब चलो तुम्हारा विदाई होगा। अब चल विदाई कर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, ऐसा करते आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ शिव गुरु के आशीर्वाद से। तो गाइस अभी हम चाय बना रहे हैं, अबीर को उठा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, उठ ही नहीं रहा है। ये देखिए चाय बन चुका है, अब जा रहे हैं हम छानेंगे। वीर उठो ना, कितना बार आवाज देंगे लड़कों को, क्या पता उठने ही नहीं मांग रहा है। तो नींद से सोया हुआ है। तो जानो तैयार हो रहे हैं, नहा करा के कपड़ा पहन रहे हैं। देखिए भाई उठ गया है, बोलो ना, ब्रश कर रहा है, धो रहा है, ब्रश कर रहा है, काम करेगा। सुस्ती मतलब, बैठा है तो बैठा है, उठा है तो उठा है, ब्रश का डंडी गिन रहा है। कब से बैठा है पानी लेके वहाँ पर ही, अब बिना ब्रश कर रहा। देखो पहले सूत उठ के आके सीढ़ी में बैठा, थोड़ा देर बैठा बैठा, फिर हम लोग चिल्लाए, फिर जाके देखे वहाँ बैठा है, फिर वहाँ भी बैठा है, तो सोच ही रहा है। देखिए वीर के लिए पास्ता बनाए हैं टिफिन में, और वीर नहा करा दिया है, जो कपड़ा पहन रहा है। सुहानी तैयार हो गई है नहा धोवा के स्कूल जाने के लिए। आज क्या है सुहानी स्कूल में? सुहानी का मूड पूरा ख़राब है, फेयरवेल तो हो रहा है लेकिन स्कूल का ड्रेस में। उसको चाहिए था कि साड़ी उड़ी थोड़ा सूट उट पहन के जाने से, वही तो इसका सपना टूट गया। सोची तो थोड़ा साड़ी उड़ी पहन के जाएंगे, खुद फेयरवेल हो रहा जब देखे स्कूल ड्रेस में। बेकार हो गया। आज कोई दोस्त बंधु का जाने का इच्छा नहीं है, क्योंकि स्कूल का ड्रेस में इसीलिए। ये लोग चाह रहा था थोड़ा साड़ी सूट जींस टॉप पहन के जाए, थोड़ा स्टाइल मार के, इसीलिए इसीलिए लोग का मूड खराब है सबका। अभी स्कूल चल गया है, तैयार होकर हम कुछ वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट वीडियो। सुहानी तैयार हो गई है, अब निकल रही है गाइज। अभी भी स्कूल चल गया, जानू काम में चल गए। आज जानू को टिफिन बना कर नहीं दिया, आज पास्ता बनाया टिफिन में, जानू को टिफिन बना के नहीं दे पाए। A few moments later. हम भी पहला बार इतना बड़ा कंगोजर देख रहे। देखिए गाइस कितना बड़ा कंगोजर, कैसे बहुत बड़ा हो, हम पहला बार इतना बड़ा देख रहे। ऐसा काला सादा छोटा छोटा होता है, सांप का जैसे जा रहा है। देखिए सांप का जैसे भाग रहा है, मार दीजिए ना तो फिर तो आ रही होगा। आ रहा है देख रहे, मारिए बारी अंदर ही तो आ रहा है बार बार। चप्पल कहाँ, चप्पल विषाक्त तो है बहुत, एकदम बच्चा लोग को काट लेगा। बच्चा लोग इतना खेलता कूदता है, कोई बच्चा को काट लेगा, पूरा विषाक्त तो है। देख रहे सांप का जैसे चल रहा है, लेकिन सब भागा भागी, डर का मारी दौड़ रहा है, मारने होगा उसको, बहुत डेंजर। हम तो पहला बार ऐसे देखे हैं, बहुत डेंजर था। बाप रे बाप, ऐसे सादा काला काला में छोटा छोटा होता है, का भर का कंगोजर। बाप रे बाप, हम भी पहला बार उतना बड़ा कंगोजर देखा, पर वैसा कलर इतना दिन जो देखते थे सादा काला काला में रहता था, काला में ही रहता था। अभी देख रहे बाप रे इतना बड़ा। आप लोग ऐसा इतना बड़ा कंगोजर देखे है कि नहीं गाइस, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग पहले कभी ऐसा देखे हैं? और कलर भी अलग, कलर भी एकदम अलग है। अभी हम भात बना रहे हैं गाइस दोपहर का, और देखिए ना दही। उस दिन जो हम होली का टाइम, होली का एक दिन आगे जो हम दही बड़ा बनाए थे, दही बड़ा का जो दाल बच गया था उसको देखिए पीस लिए, पीस के मसाला वसाला देखे माख लिए हैं, और ये बड़ा छान रहे हैं। और देखिए हम अंडा का झोल बनाए हैं, ये अपना हम खाना भी निकाल लिए हैं, खाएंगे अभी दोपहर का खाना खाएंगे। आते आते झगड़ा हो जाता है, तुरंत स्कूल से आया तुरंत एकदम दीदी से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है सुहानी से।
पापा ब्लड पापा काम में किया कि ब्लड डोनेट करने किया। आके ये स्वानी स्कूल से जो बर्फी की मिठाई लाया आके छीना छीनी करके देखे खाने लगा बमकारा देखिए बोलो शारा दादा अब खा लिए तो क्या कर सकती है बोलो रसगुल्ला चाहते देरी ने अपना दीदी से लगते देरी ने रसगुल्ला कितना गंदा था प्रीति कहानी और देखिए वीर वीरा भी तुरंत जस्ट मतलब घर में घुसता है और ऊपर आया है मिठाई का डब्बा देखा है और उससे निकाल के देखे सिंगाड़ा छीन के खा लिया सुहानी से। कल से काय चीज का छुट्टी है चौदह को एग्जाम है कल स्कूल जाएगा तुम कल शनिवार है शनिवार तो हम कभी जाएंगे नहीं आपसे काहे नहीं जाएगा शनिवार को इस हफ्ता होली होली करके तुम दो तीन दिन चार दिन छुट्टी कर दिया तो शुक्रवार को तुम कल स्कूल दिया दो दिन जाओ शनिवार को इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि शुक्रवार को रात को खेलेगा गेम शनिवार को एग्जाम है मतलब उसका स्कूल होगा सोमवार को होगा ट्यूसडे को भी होगा। हाँ तो फिर अरे कल स्कूल जाएगा तुम सब ना कौन चीज का नोटिस छुट्टी हो जाएगा तेरा कल कितना तारीख है कल कल आज तो स्कूल चल गया शुक्रवार कल कितना तारीख हुआ है सोमवार लास्ट स्कूल है लोग का कब सोमवार तक स्कूल जाएगा तुम सब ना और कल भी जाएगा स्कूल तुम कल हम जाएंगे मार खाएगा ना ठीक ही हो जाएगा इस हफ्ते कहाँ तुम सोम मंगल बुध बृहस्पति चार दिन तुम छुट्टी किया है होली का छुट्टी मिला होली का छुट्टी मिला है किया नहीं है ना तो फिर भी तुमको शनिवार को कल जाने होगा समझा ना मार खाएगा ना अभी फिर कब खुलेगा कितना दिन बाद स्कूल खुलेगा अट्ठाईस डायरेक्ट 28 तारीख को खाना नहीं खाएगा ऐसे झूरी बाजार सिंगाड़ा खा रहे हो क्या बनाया अंडा दाल भात अंडा बनाए हैं अंडा झोल देंगे खाना कपड़ा खोलो सादा पैंट है देखो तुम इसमें बैठा पूरा दाग लग जाएगा सादा पैंट में तो वहाँ से पैंट खोलो सादा पैंट है स्कूल का और खाना खा के जाओ पढ़ने जाओ कोचिंग जाओ पढ़ने 2000 years later. रे काय लग रहा तू दीदी के साथ में खाली बदमाशी सुस्ता ट्यूशन से आके एकदम बदमाशी चालू हो जाता तुम्हारा खाली लगते रहता दीदी के साथ में ट्यूशन से आके वीर का बदमाशी चालू हो जाता देखिये वो पढ़ रही है उसको पढ़ने नहीं दे रहा लग रहा खाली देखिए जानो देखिए बदमाशी करो जो बाहर भाग गया आपका डर से उसका एग्जाम है सामने भागा है उस तरफ में मैं जानू काम से आ गए हैं हम कैसे बताए कि कैसे टूट गया चप्पल तुम कैसे चल रहा था चलने का भी जैसे तरीका होता है तुम उबर खबर बंदर जैसे कुदुक कुदुक के चलोगे तो क्या होगा देखे लग रहा है खाली देखिए लग रहा है देखिए लग रहा है मम्मी देखिए अरे देख रहे तो माता घूर जा देख रहे कितना बदमाशी कर रहा है देख रहे हैं अब जब छुट्टी होगा तब जाएंगे गिर जाएगा अरे देखिए चप्पल तोड़ दिया नहीं आई चप्पल ऐसे दिन को खरीद के लाया देखिए कैसे तोड़ा है आपका बेटा एकदम बदमाशी खाली बदमाशी कैसे चलता है रे जो तू चप्पल तोड़ दिया है नहीं पता ऐसे चलते चलते कुदुक कुदुक के बंदर जैसे चलोगे तो क्या होगा चप्पल तोड़ दिए नया चप्पल बाकी सब पचल तो बाकी सब चप्पल तो तुम फुटबॉल खेलने जाते हो वहीं छोड़ के चलाते मैं सास काका बोल रही है आप ही तो हमको हमेशा बोलते थे गिन गिन के रोटी बनाओ याद है हम जब आए थे आरती का मुंह देख आरती का देख आरती को सिंदूर लगा दिए प्रीति मजाक से
ये देखिए सिंदूर लगा हुआ है, बकरा सिंदूर। अब चलो तुम्हारा विदाई होगा। अब चल विदा कर देते लोग, क्या कर रहा रात का टाइम, विदा कर रहा। प्रीति देखिए इतना बदमाश है, इतना कौन चीज का हंसी मजाक रहा तुम लोग का। प्रीति सिंदूर लगा दी, देखिए सिंदूर देखिए। देखिए दूल्हा दुल्ही ने क्या कर रहा, देखिए रात का, देखिए गाइस 11:30 बज रहा है। आरती रो रही है, ए बाबा ए मत मजाक करो, सिंदूर से मजाक नहीं करना चाहिए। ए सिंदूर से, सिंदूर का अपमान हो रहा है, ऐसे नहीं करो। का हो रहा है बताओ उसको, मेरा टिकली, मेरा टिकली खोल के उसको टिकली भी लगा दिया है। बचाओ फिर, बचाओ उसको, बचा। रात का टाइम का हो रहा है। ए ऐसे नहीं कर प्रीति, सिंदूर का अपमान हो रहा, सिंदूर का खेला मत करो, ऐसा मजाक नहीं अच्छा है। कहते भी उसको शादी करेगी, कहाँ बोल दिए थे। क्या बस लोग आए, यहाँ से ज्यादा मजाक अच्छा नहीं, यही कौन सा मजाक है। देखा पर वीडियो बना रही है सुहानी, देखिए बड़ा सुंदर लग रही है, फोटो बनाएंगे लोग। मेरा उस दिन सिंदूर लगा दी थी। आरती का मुंह देखिए सूख गया पूरा। हाँ कौन लगा दिया था, देखो देखो लगा दी थी, आज आज आरती को लगा दी। कभी को 6 खा लेते हैं का, पापा 5 6 4 अभी नहीं खाता, आगे 4 खाता था, अभी 5 6 खाता है। अभी देखिए सुहानी आरती को खिला रही है, आरती अपना घर से खाओ के आई है, फिर भी यहाँ आके फिर थोड़ा बहुत। मेरा आदत लग गया, आज नहीं खा के आई है, आज नहीं खा के आई है, का है गुस्सा गुस्सा करके का, भात था इसीलिए। प्रीति को खिला रहे थे तो बोली हमको भी तरफ खिलाइए। प्रीति को और आरती को सुहानी खिला रही है, देखिए अंडा रोटी। आई देखिए खुशी कल सोने नहीं आई थी, आज सोने आई है। खुशी का भाई खुशी को मार के थोड़ा भोसका दिया, तो कहाँ धुला हुआ है, अरे आयुष ते को मार के तो कहाँ, अरे तो मौसी का बेटा ठो मारा, बाबा काहे मारा रे, कहाँ थी उसको मारा इतना। ओ लो का घर में जो मौसी आई है ना, मौसी का बेटा मारा है उसको, हम से उसका छोटा भाई जो आयुष है वो मारा है, बोला नहीं मेरा मौसी का बेटा मारा है। प्रियंश नाम है, प्रियंश विशाल नाम है। देखिए बीरा पढ़ रही है, खेल रही है, ओहो हमसे तो पढ़ रही है। तो ठीक है गाइस, अभी देखिए रात का बज गया 11:30, अभी देखिए गेम खेल रहा, मेरी सास सो गई है, तब तक के लिए बाय। हाँ तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म कर दे रहे हैं गाइस, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट आप सभी को।